गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपको नाम से पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक दो डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज द अर्लियर डेफिनेशन विच इज अकॉर्डिंग टू द नेम, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विच फॉलो दिस फॉर्मूला. ठीक है, मीन्स CH2OY. ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स नेम इज रैमनोज. तो अगर आपके पास ये रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला है C6H12O5, तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ फिट होता है? नहीं फिट होता, बट ये कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव करता है. तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, बट फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव करते हैं, और जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करते. तो ये इसकी क्या होगी? लिमिटेशन होगी है. बट इस फॉर्मूला को फॉलो करने वाले भी कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6. ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है? ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन होगी हमारे पास कुछ ना कुछ, कि ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट है जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं. तो ये डेफिनेशन की लिमिटेशन होगी, तो इसका मतलब हमें कुछ और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी डेफिनेशन में. तो उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन आई आपके पास. मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है? मॉडर्न डेफिनेशन बोलती है कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उसमें बहुत. ठीक है, मोर देन टू हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे. तो पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ किसके डेरिवेटिव? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. उसमें क्या होगा? एल्डिहाइड कीटोन्स भी होंगे, और पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट. एंड दिस इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जैसे आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, तो आप कैसे लिखते हो उसको? C6H12O6 हम क्या करते हैं ग्लूकोज में? आपके पास यहां CH2OH है, ठीक है, यहां पर CHO OH H OH H, ये ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए. तो दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. इसी तरह कीटो ग्रुप भी होगा. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होगा? कीटो ग्रुप. तो वो हम अभी स्टडी करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्लासिफिकेशन मीन्स किस तरह के, कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास थ्री क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट इज, थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपने स्टडी करने हैं, मोनोसेकेराइड्स. ठीक है, सेकेंड इज ऑलिगोसेकेराइड्स. थर्ड इज पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड क्या होता है? ठीक है, मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो मोनोसेकेराइड वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, मींस विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. ठीक है, मोनोसेकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. ठीक है, अब जैसे आपके पास C6H12O6 है, तो ये सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है. ठीक है, और मोनोसेकेराइड 3 to 8 कार्बन ग्रुप कंटेन करते हैं. ठीक है, एल्डोस भी हो सकते हैं और कीटोस भी हो सकते हैं. एल्डोस कीटोस का मतलब, एल्डोस मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, एंड कीटोस मतलब जो कीटो ग्रुप कंटेन करता है. ठीक है, नाउ ऑलिगोसेकेराइड फर्दर थ्री डिविजन्स में है आपके पास. फर्स्ट इज डाइसेकेराइड, सेकेंड इज ट्राइसेकेराइड, एंड थर्ड इज टेट्रासेकेराइड. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आपके पास? डाइसेकेराइड्स का मतलब क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम हाइड्रोलाइज करें तो आपको
two monosaccharides units se, theek hai, carbohydrates which on hydrolysis give two monosaccharides units, theek hai. For example, C12H22O11 hai hamare paas, theek hai, ye hamare paas kya hai, कार्बोहाइड्रेट. अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, अगर हम C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है. तो हमें दो कार्बोहाइड्रेट मिल गए एंड दीज आर द टू मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट यूनिट देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड्स, ठीक है. और ट्राइसेकेराइड्स जो आपको हाइड्रोलिसिस पे थ्री मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देते हैं, और टेट्रासेकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव फोर मोनोसेकेराइड यूनिट्स. तो ऐसे हमने डिविजन की हुई है ओलिगोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कि वो कितने नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. तो पॉलीसेकेराइड्स मींस जो आपको, देखो ओलिगोसेकेराइड में आपके पास 3 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आ सकती है. जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास 3 भी आ सकती है, 4 भी, अप टू 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आ सकती हैं, ठीक है. बट पॉलीसेकेराइड मींस विच गिव मोर देन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मोर देन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. तो नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है. तो स्टीरियो आइसोमर्स आपने स्टडी करने हैं. नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. आपके पास मान लो ग्लूकोज है, ठीक है. ग्लूकोज अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था CH2OH, यहाँ पर CHO ग्रुप, ठीक है. ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है ग्लूकोज में कि आपके पास कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, मींस कितने कायरल कार्बन्स हैं, 1, 2, 3 and 4. हमारे पास कितने कायरल कार्बन हो गए, 4 कायरल कार्बन. तो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है, मींस नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2^n. What is n here? N is the stereo centers, means number of stereo centers, number of chiral carbons. तो कितने chiral carbon है यहाँ, 1, 2, 3, 4 chiral carbon. तो number of stereo isomers क्या हो गए हमारे पास, 2^4 stereo isomers हो गए हैं. इसको आप calculate करेंगे तो आपके पास number आ जाएंगे 2^4, ठीक है. तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला है, स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला. नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स पता होने चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, ओसाजोन कैसे प्रिपेयर करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. तो आपको सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही चीज़. तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले CHO CH OH 4 times and CH2 OH, ठीक है. 6 कार्बन हो गए, 4, 5 and 6, एक पे एल्डिहाइड, बाकी पे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एंड देयर इज एल्कोहल हाइड्रोक्सी, सेम चीज़, ठीक है. अब आपके पास क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन से हम ट्रीट करते हैं इसको. व्हाट इज़ फिनाइल हाइड्रोजीन, NH2NHC6H5, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन एंड वी हैव टू टेक दिस इन एक्सेस. तो हम ये क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे. जब आप इसे एक्सेस में लेते हो तो आपको एक चीज़ तो पता है कि फिनाइल हाइड्रोजीन क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपने पढ़ी हुई है. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NNH C6H5, हाइड्रोजोन बन गया. एक अल्फा जो ग्रुप है उधर भी हमारे पास क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड N, ठीक है. यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाता है, और यहाँ पर CH OH
थ्राइस, ये सी एच टू ओ एच। तो देखो कार्बन कितने हुए, 3, 4, 5, 6 के 6 ही रहे, और एक तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप पर क्या बन गया, हाइड्रोजोन, दूसरा जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप था उस पर क्या बन गया, हाइड्रोजोन। अगर आप ये एक्सेस में ले रहे हैं, अगर आप लिमिटेड नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप पे ही हाइड्रोजोन बनता है। बट यहाँ पर अगर आप ग्लूकोसा, अगर आप ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे हो, तो आपको ये किस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में ही लेना पड़ेगा, और आपके पास एलिमिनेट हो जाता है C6H5NH2 प्लस NH3 एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ओसाजोन। ये ग्लूकोज से बना है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन बोलते हैं। अगर ये फ्रक्टोज से बना होता तो फ्रक्टोसाजोन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन होती कैसे है। तो इसमें हम आप मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म इज़ द फिशर मैकेनिज्म एंड सेकेंड मैकेनिज्म इज़ द मॉडर्न मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास फिशर मैकेनिज्म। ठीक है, फिशर मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने देखना है आपके पास क्या है, सी एच ओ ग्रुप। यहां पर इसको ओपन करके लिख देते हैं, सी एच ओ एच, और ये सी एच ओ एच थ्राइस हो गया, ये सी एच टू ओ एच, 6 कार्बन हो गए, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, हमने इसको ट्रीट करना है फर्स्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन, C6H5NH2। ठीक है, तो आपको पता है जब आप इसको ट्रीट करेंगे विद फिनाइल हाइड्रोजीन, सबसे पहले क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, और ये वन मोल ऐड किया है तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच सी सिक्स एच फाइव। यहाँ पर तो ये ग्रुप लग गया है, उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच थ्राइस, देन देयर इज अ सी एच टू ओ एच। ठीक है, ठीक है, ये ग्रुप इधर क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजोन, और यहाँ क्या आ गया, सी एच ओ एच और सी एच ओ एच बाकी आज सच। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेकेंड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन की एडिशन कराई, C6H5NH2। जब हमने सेकेंड मोल की एडिशन कराई, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो आपके पास क्या आएगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, सॉरी एन एन एच सी सिक्स एच फाइव, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई है, तो यहाँ पर CHOH थ्राइस, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, CH2OH। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आपके पास ये कीटोन ग्रुप आ गया, और आपको पता है अगर आप फिर से फिनाइल हाइड्रोजीन के एडिशन करेंगे तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। तो इतना क्लियर है आपको, एक बार ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर मैंने रब करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास वन मोल की एडिशन करी, तो आपके पास क्या बना, हाइड्रोजोन ओनली ऑन एल्डिहाइड ग्रुप, देन वी ऐड वन मोल फिनाइल हाइड्रोजीन मोर, देन विल गेट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड विल गेट कीटोन। आफ्टर दैट वी विल ऐड वन मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन अगेन। ठीक है, अब आपके पास ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप अब क्या करेगा, अब देखो आप कीटोन ग्रुप में जब आप कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, फिर से आप फिनाइल हाइड्रोजीन ऐड कर रहे हैं, तो ये कीटोन ग्रुप भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो कर देगा, और आपके पास कीटोन की जगह पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजोन। तो सी एच, ये तो एज सच रहा एन एन एच सी सिक्स एच फाइव। ठीक है, अब जो कीटोन वाला ग्रुप है उस पर भी क्या आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड एन एन एच सी सिक्स एच फाइव, और ये एज सच सी एच ओ एच थ्राइस एंड सी एच टू ओ एच। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने पहले बोला था ग्लूकोसाजोन, तो ये आपने अभी क्या देखा है इसका, फिशर मैकेनिज्म की ग्लूकोसाजोन बनता कैसे है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास फिशर मैकेनिज्म की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, अब वो लिमिटेशन क्या है आपके पास,
फर्स्ट लिमिटेशन तो है आपके पास कि हमारे पास क्या होता है फिशर मैकेनिज्म में, फिनाइल हाइड्रोजीन प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअल में फिनाइल हाइड्रोजीन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अभी आपने सेकेंड स्टेप में देखा कि उसने हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या, थर्ड स्टेप में हाइड्रोक्सी ग्रुप को उसने क्या कर दिया है, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेशन कैसे शो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फिशर मैकेनिज्म। सेकेंड लिमिटेशन इज कि यहाँ पर तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इस पोजीशन पे भी पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप था, तो पर्टिकुलर इसी पे हाइड्रोजोन क्यों बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ फिशर मैकेनिज्म। तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नया मैकेनिज्म आया है, दैट इज मॉडर्न मैकेनिज्म। तो अब हमने स्टडी करना है मॉडर्न मैकेनिज्म। तो अब आपने क्या स्टडी करना है, मॉडर्न मैकेनिज्म। तो मॉडर्न मैकेनिज्म में सबसे पहले तो हमें पता है हमारे पास आपने स्ट्रक्चर तो एज सच ही ड्रॉ करना है, लिखना है स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वन मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन की एडिशन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेम एज दैट ऑफ फिशर मैकेनिज्म, ठीक है। जब आपने वन मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन की एडिशन करी तो आपको कहाँ पर हाइड्रोजोन मिलेगा, एल्डिहाइड के साथ, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5। तो ये हाइड्रोजोन मिल गया हमें। बाकी सब हम क्या रखेंगे, एज सच रखेंगे। यहाँ H, यहाँ OH रखा हमने, ठीक है। यहाँ पर CH OH थ्राइस और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपके पास इधर क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी तो डिस्टर्ब हो गई, 5 हो जाएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इस इधर से H पॉजिटिव आयंस लेगा। जब ये इधर से H पॉजिटिव लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है, और इसको बोलते हैं एमेडोरी रीअरेंजमेंट। कौन सी रीअरेंजमेंट है ये, एमेडोरी रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रीअरेंजमेंट है। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ देखो जरा CH, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या रहा मेरे पास, OH, इसको मैंने OH की फॉर्म में लिखा, इधर CH OH थ्राइस आ गया मेरे पास, ठीक है। इधर CH2OH, अब इधर आ जाते हैं हम, इधर तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड N, इसके साथ कौन चला गया, H। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, H, और इधर और क्या है हमारे पास, NH C6H5, ठीक है। अब आपके पास ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। अब एक्चुअल में होगा क्या, इधर से ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब, ये कार्बन अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो जरा, अब पहले मैं इन दो ग्रुप्स को एज सच लिख दूं, मैं ये यहीं पर ड्रॉ करती हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो कार्बन एज सच किस फॉर्म में, CH2OH, ठीक है, ये CHOH थ्राइस। तो ये दोनों कार्बन, ये फोर के फोर कार्बन तो एज सच रहे, यहां पर क्या हो गया आपके पास, C डबल बॉन्ड O, देखो ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये हाइड्रोजन तो चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, सिंगल बॉन्ड सी एच इसके साथ रहेगा, इधर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, इधर ये एन एच, ठीक है। बट ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया इन दोनों के बीच, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो आपके पास कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ है, और वो एलिमिनेट क्या हुआ है, C6H5NH, और ये वाला H इधर, तो C6H5NH2। तो हमारे पास एलिमिनेशन हो गई है
एनिलीन की C6H5NH2। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए आपको कि फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजोन बना विद एल्डिहाइड ग्रुप। हाइड्रोजोन के बाद यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हुई है, ये हाइड्रोजन इधर नाइट्रोजन के पास चला गया, इसने अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गई है। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इधर कीटो ग्रुप बन गया, ये कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब, इसलिए कार्बन अपने बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ से हमारे पास कीटो ग्रुप आ गया है। ठीक है, अब मैं इधर रब कर देती हूँ। जब हमारे पास कीटो ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन फिर से ऐड करना है। ये तो देखो यहाँ पर तो है, अब यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँगी, C6H5NH2, 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। अब आपको पता है आपके पास कीटो ग्रुप है, कीटो एल्डिहाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड विल फॉर्म हाइड्रोजोन। तो आपके पास क्या आ गया, बाकी सब एज सच रहेगा, CH NH C, यहाँ पर डबल बॉन्ड NNH C6H5, तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजोन आ गया, बाकी कार्बन विल रिमेन एज सच CHOH3 and CH2OH। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से आपने क्या करना है, अब आपने फिर से एडिशन करानी है C6H5NH2 की, मींस फिनाइल हाइड्रोजन की हमने फिर से एडिशन करानी है। तो जब आप फिनाइल हाइड्रोजन की एडिशन कराओगे, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा फिर से NH, और माइनस ऑफ H2 हो जाएगा NH3, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास NH C6H5 C double bond NNH C6H5 CH OH thrice and CH2 OH। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है, ग्लूकोसा जोन। सो दिस इज द मॉडर्न मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसा जोन। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O नहीं बना है, यहाँ पर क्या हुई है, रीअरेंजमेंट हुई है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। और अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी वाला ही क्यों ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास फिशर मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसा जोन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो हमने स्टडी करना है, वो हमने स्टडी करना है फॉर द फ्रक्टोज। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपने क्या करना है, फ्रक्टोज के लिए मैं आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। फ्रक्टोज में क्या होता है, आपके पास कीटो ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप। तो आपके पास पहले तो यहाँ पर सेम CH2OH, तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर होता है, फ्रक्टोज का। उसमें क्या होता है, आपके पास सेकंड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसके बेसिस पे अब आपने क्या करना है, इसकी ओसा जोन फॉर्मेशन स्टडी करनी है। सेम ओसा जोन फॉर्मेशन है, कैसे होगा, वही फिशर मैकेनिज्म होगा, फिर मॉडर्न मैकेनिज्म होगा। तो आपने उसके बेसिस पर इसके ओसा जोन फॉर्मेशन स्टडी करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे पूछना है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने स्टडी की है, वो हमने स्टडी की है यहाँ पर ओसा जोन फॉर्मेशन। क्या स्टडी किया है, ओसा जोन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फिशर मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन। तो ओसा जोन की फॉर्मेशन के लिए लिमिटेशन क्या है, फिशर मैकेनिज्म की। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, दो लिमिटेशंस है. फिर ये पूछ सकते हैं, इसी फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मॉडर्न मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन इफ देयर इज अ फिशर मैकेनिज्म. तो इसमें भी आपको क्या एक्सप्लेन करना है, लिमिटेशन एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज. ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स पूछ सकते हैं. तो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच कैन बी फ्यू क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, एक लास्ट चीज़ है. अब आपके पास ये फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस में कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, कितने कायरल कार्बन्स हैं, 1, 2 and 3. तो इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फ्रक्टोज. तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, 2^n. n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन मीन स्टीरियो सेंटर्स. तो कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, 1, 2 and 3 स्टीरियो सेंटर है, देन देयर इज अ 2^n. बट ग्लूकोज में कितने, सॉरी 2^3, क्योंकि 3 स्टीरियो सेंटर है. ग्लूकोज में कितने थे, 4, इससे वहाँ पर क्या था, 2^4. तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है. तो ये लेक्चर आज के लिए फिनिश है. थैंक यू.